हेलो दोस्तों, मैं हूँ सुहानी और आप सबका स्वागत है फिर से मेरे इस वीडियो में। तो दोस्तों, क्या आपका मेकअप भी काला पड़ जाता है या आपका फाउंडेशन बहुत ज़्यादा ग्रे हो जाता है? क्यों यहाँ पर फाइन लाइंस आ जाती हैं या फिर आपके आँख के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल दिखते हैं या फिर मेकअप ग्रे पड़ जाता है? क्या आपका मेकअप भी बहुत ज़्यादा केकी हो जाता है या फिर आपको मेकअप ही सूट नहीं करता या फिर आपका मेकअप पसीने में बह जाता है? तो इन्हीं सब के बारे में आज मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो में कि आप कौन कौन सी वो गलतियाँ करते हैं जिससे आपका मेकअप बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता और बहुत ज़्यादा काला पड़ जाता है। तो आप वैसी गलतियाँ ना करें, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो में बहुत सारी टिप्स देने वाली हूँ एंड मैं पॉइंट टू पॉइंट ये बताऊंगी कि कौन सी स्किन वाले को मेकअप करने से पहले क्या करना चाहिए जिससे कि आपका मेकअप काला ना पड़े। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि मेकअप करने से आपका चेहरा काला नहीं होता, मेकअप गलत तरीके से करने से आपका चेहरा काला होता है एंड मेकअप ख़राब होता है। तो पहला पॉइंट है, मेकअप करने से पहले आपको क्या करना है और स्किन को कैसे प्रेप करना है। तो अभी मैं बता रही हूँ ऑयली स्किन के लिए। तो ऑयली स्किन वालों के लिए मेकअप करने से पहले हमेशा ठंडी स्टीम लेनी चाहिए, यानी कि बर्फ़ की स्टीम। आप बर्फ़ के कुछ टुकड़े लें और उसको टिशू पेपर में रख कर आपके फेस पर रफ़ करें, या फिर ऐसा करें कि एक बॉल में आप बहुत सारे बर्फ़ के टुकड़े लें और आपके फेस को डिप करें, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से काम करेगा और आपके रोम छिद्रों को बंद कर देगा, जिससे कि पसीना आना बाहर बंद हो जाएगा। स्टीम लेने के बाद आपको टोनर यूज़ करना है एंड ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र यूज़ करना है। अब बात करते हैं ड्राई स्किन वालों की। ड्राई स्किन वालों को हमेशा अपने स्किन पर डीप मॉइस्चराइजिंग करनी है, विटामिन ई का कैप्सूल से मसाज करनी है, जिससे कि आपके फेस को अच्छा ऑयल मिलेगा और अच्छा मॉइस्चर मिलेगा। फिर आपका फेस बहुत ही ज़्यादा ग्लो करेगा और डिहाइड्रेट भी नहीं होगा। अब बात करते हैं नॉर्मल स्किन वालों के लिए। तो नॉर्मल स्किन वाले यहाँ पर विटामिन सी का सीरम भी यूज़ कर सकते हैं एंड यहाँ पर अच्छा सा एक मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरी स्किन नॉर्मल है, तो मैं यहाँ पर सीरम यूज़ कर रही हूँ जो कि विटामिन सी का सीरम है एंड गार्नियर का सीरम है। सीरम को मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी जिससे कि मेरी स्किन में एब्जॉर्ब हो जाए। सीरम अप्लाई करने के बाद फिर आप कोई भी मॉइस्चराइज़र ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है बायोटेक का मॉइस्चराइज़र, ये ऑल स्किन टाइप है और ये नॉर्मल स्किन के लिए बेस्ट है, तो ये इसको मैं अप्लाई कर रही हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा पहला पॉइंट कंप्लीट होता है कि मेकअप करने से पहले हमको अपनी स्किन को कैसे प्रेप करना है। मैंने ऑल स्किन टाइप आपको बता दिया है कि स्किन बाय स्किन आपको क्या क्या चीज़ें करनी है। अब बात करते हैं हम सेकेंड पॉइंट की कि सही तरीके का प्राइमर हम कैसे यूज़ करें। तो दोस्तों, प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे वो कोई सी भी स्किन हो, चाहे वो ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो या नॉर्मल स्किन हो या कोई भी स्किन हो, प्राइमर यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ लैक्मे का प्राइमर। प्राइमर यूज़ करने से हमारे जो रोम छिद्र होते हैं वो लॉक हो जाते हैं एंड हमारा जो पसीना है वो बाहर आना बंद हो जाता है। तो दोस्तों, अगर हम डायरेक्टली फाउंडेशन यहाँ पर यूज़ कर देंगे, उससे क्या होगा कि हमारे स्किन का जो ऑयल है और जो हमारा फाउंडेशन हमने अप्लाई किया है वो डीऑक्सीडाइज हो जाएगा, जिसके वजह से हमारा फेस काला पड़ जाता है। एक और पॉइंट इसमें ये है कि लॉन्ग लास्टिंग तक चलाने में भी ये बहुत ज़्यादा कारगर है। एक और चीज़ के लिए यूज़ करते हैं हम प्राइमर का, वो है कि हमारे फेस को ये डैमेज होने से भी बचाता है। जो हम मेकअप प्रोडक्ट यूज़ करते हैं उससे भी ये हमारी स्किन को अच्छे से प्रोटेक्ट करता है, हार्म नहीं पहुंचाने देता। तो दोस्तों, अब बारी आती है तीसरे पॉइंट की। तीसरे पॉइंट में मैं यहाँ पर बताऊँगी आपको कलर करेक्टर के बारे में। तो दोस्तों, हमारा मेकअप काला ना पड़े उसके लिए हमको कलर करेक्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे फेस की जो स्किन होती है वो बहुत ज़्यादा अलग अलग टोन की होती है। मतलब कि हमारे आईज के नीचे अलग डार्क सर्कल्स होते हैं, वो अलग टोन के होते हैं। फोरहेड होता है वो टैन होता है, तो वो अलग टोन का होता है। हमारे जो चिक होते हैं वो अलग टोन के होते हैं एंड हमारे लिप्स के जो राउंडली जो स्किन है वो थोड़ी सी अलग टोन की होती है। उसके लिए मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ ये कलर करेक्टर। तो दोस्तों, कलर करेक्टर बहुत सारे टाइप के होते हैं। पहला होता है रेड कलर करेक्टर, दूसरा होता है ऑरेंज कलर करेक्टर, तीसरा होता है ग्रीन कलर करेक्टर, चौथा है पर्पल कलर करेक्टर एंड पीच कलर करेक्टर। तो रेड जो कलर करेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा स्किन जली हुई होती है या बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन होता है, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। ऑरेंज कलर करेक्टर होता है वो एक्ने के जो दाग होते हैं एंड पिगमेंटेशन होते हैं एंड डार्क सर्कल्स होते हैं उनके छुपाने के लिए हम यूज़ करते हैं। एंड जो ग्रीन कलर करेक्टर होता है उसको हम यूज़ करते हैं रेड पिंपल के लिए, जो स्किन बहुत ज़्यादा फेयर होती है और जो सेंसिटिव स्किन होती है उस पर भी हम ग्रीन कलर करेक्टर यूज़ करते हैं।
पर्पल जो कलर करेक्टर होता है वो बहुत ज़्यादा फेयर स्किन वालों के लिए होता है, जहाँ पर वो येलो टोन का पैची एरिया होता है उसको छुपाने के लिए हम पर्पल यूज़ करते हैं। और पीच जो कलर करेक्टर होता है वो भी फेयर स्किन के वालों के लिए होता है। तो इस तरीके से मैंने आपको कलर करेक्टर के बारे में बता दिया है। तो यहाँ पर मैं कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स हो रहे हैं, उसको छुपाने के लिए मैं यहाँ पर कलर करेक्टर का यूज़ कर रही हूँ। एंड अब मैंने ऑरेंज कलर करेक्टर लगा लिया है, अब बहुत ज़्यादा ऑरेंज दिख रहा है उसको, अब उसके ऊपर मैं यहाँ पर पीच कलर का, लाइट पीच कलर का कलर करेक्टर यूज़ कर रही हूँ। तो इन्हीं सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका फेस भी कभी भी काला नहीं होगा, ना ही कभी केकी होगा, ना ही आपका बेस बहुत ज़्यादा मैसी होगा। तो इस सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है यहाँ पर। एंड अब मैंने जो पीच कलर का कलर करेक्टर लगाया था उसके ऊपर मैं लाइट कलर का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। तो कंसीलर इसलिए मैं अप्लाई कर रही हूँ क्योंकि जो थोड़ा सा रेड और पीच पीच दिख रहा था उस मेरी स्किन टोन में लाने के लिए मैं यहाँ पर लाइट कंसीलर का यूज़ कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा तीसरा पॉइंट भी कंप्लीट होता है कि कलर करेक्शन से हम अपनी स्किन टोन को कैसे नॉर्मल कर सकते हैं और हमारे फेस को काला पड़ने से बचा सकते हैं। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली है तो मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी कि जब भी आप कलर करेक्टर कर चुके हों तो आप एक बार मेकअप फिक्सर का यूज़ कर लें, जिससे कि आपका बेस बिल्कुल सेट रहेगा। तो दोस्तों अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की कि सही फाउंडेशन हम कैसे चुने। तो दोस्तों यहाँ पर मेकअप काला पड़ने का बहुत ज़्यादा बड़ा रीज़न होता है कि हम फाउंडेशन गलत यूज़ कर लेते हैं, मतलब कि वो या तो हमारा स्किन टोन का नहीं होता या फिर बहुत ज़्यादा डार्क होता है या फिर बहुत ज़्यादा लाइट होता है, जिससे कि हमारा फेस या तो बहुत ज़्यादा वाइट हो जाता है या फिर बहुत ज़्यादा डल हो जाता है, यानी कि काला पड़ जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर आपको एक बात याद रखनी है कि आपका जो फाउंडेशन है वो बिल्कुल आपकी स्किन टोन का होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता कि सही फाउंडेशन आप कैसे चूज़ कर सकते हैं तो आप मेरा ये वाला वीडियो देख सकते हैं, इसमें मैंने बिल्कुल डिटेल से बताया है कि आप अपने स्किन टोन का फाउंडेशन कैसे चूज़ कर सकते हैं, तभी आपका मेकअप बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिखेगा और काला नहीं पड़ेगा। अगर हम बहुत ज़्यादा फाउंडेशन अप्लाई कर लेंगे हमारा जो बेस है बहुत ज़्यादा किकी हो जाएगा, यानी कि फैला फैला लगेगा और बहुत ज़्यादा काला पड़ जाएगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि हमको अपने स्किन टोन का फाउंडेशन यूज़ करना है एंड फाउंडेशन को हमको कम यूज़ करना है, कम क्वांटिटी में यूज़ करना है। अगर आपको अपने बेस को बहुत ज़्यादा फेयर दिखाना है तो आप दोबारा से फिर से एक लेयर अप्लाई कर सकते हैं फाउंडेशन की, लेकिन शुरू में आपको ज़्यादा फाउंडेशन नहीं लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों कि आपके जो अपर लिप्स का जो एरिया है यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाइंस आ जाती हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं जिस तरीके से फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ आपको वैसे ही अप्लाई करना है। यहाँ पर हमारा चौथा पॉइंट भी कंप्लीट होता है कि हमको सही फाउंडेशन यूज़ करना है। तो दोस्तों अब बात करते हैं हम हमारे पांचवें पॉइंट की कि हमको हाइलाइटर के तौर पर सही कंसीलर कैसे यूज़ करना है। यहाँ पर भी लोग अक्सर गलतियाँ कर जाते हैं, वो हमेशा अपने स्किन टोन का ही कंसीलर यहाँ पर हाइलाइटर के तौर पर यूज़ करते हैं, तो वो ऐसा नहीं करना है आपको। यहाँ पर आपको आपकी स्किन से दो टोन लाइटली कंसीलर लेना है एंड उसको हाइलाइटर के तौर पर यूज़ करना है। और अब मैं यहाँ पर कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ अपने अंडर आई एरिया पर, नोज़ पर, फोरहेड पर, चिक बोन पर एंड अपर लिप्स एरिया पर मैं यहाँ पर कंसीलर यूज़ कर रही हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने कंसीलर भी यूज़ कर लिया है, अब बारी आती है यहाँ पर लूज़ पाउडर अप्लाई करने की। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जब भी आप कंसीलर यूज़ करें यहाँ पर हाइलाइटर के लिए तो आपको बहुत जल्दी से यहाँ पर लूज़ पाउडर यूज़ करना है, जिससे कि हमारे आईज़ के नीचे जो लाइंस आती हैं वो ना आए, इसलिए हम लूज़ पाउडर का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लूज़ पाउडर यूज़ करने के बाद हमको यहाँ पर कॉम्पैक्ट पाउडर का यूज़ करना है, जो कि मैं ले रही हूँ फिटमी का कॉम्पैक्ट पाउडर। आप कोई सा भी पाउडर ले सकते हैं यहाँ पर, लेकिन पाउडर अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिससे कि हमारे फेस में बिल्कुल फ्रेशनेस आ जाती है और हमारा मेकअप बहुत ही सेटल लगता है। तो दोस्तों अब बारी आती है सेवन पॉइंट की, यहाँ पर मैं ले रही हूँ मेकअप फिक्सर। मेकअप फिक्सर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग तक चलाने के लिए एंड हमारा मेकअप काला ना पड़े, इसलिए हम यहाँ पर यूज़ करेंगे मेकअप फिक्सर का। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा फेस काला क्यों पड़ता है, वो इसलिए क्योंकि हम हमारी स्किन को प्रेप नहीं करते। हम अक्सर ये सोचते हैं कि सिर्फ मेकअप में फाउंडेशन, कंसीलर या कॉम्पैक्ट पाउडर ही मैन होते हैं। नहीं, मैन होते हैं, इन सब चीज़ों से मेकअप होता है, लेकिन इससे पहले हमको यहाँ पर टोनर, मॉइस्चराइज़र एंड प्राइमर का यूज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही सब चीज़ें हमारे मेकअप को लॉन्ग लास्टिंग तक चलाने के लिए और मेकअप को फ्रेश रखने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं।
तो इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको पॉइंट टू पॉइंट बता दिया है, बस आपको याद रखना है कि मेकअप के पहले आपको क्या करना है। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना।